से ही कटना है, ये मॉडर्न मशीनों से नहीं कटेगी। और ये जो अलमिया पैदा किया जा रहा है, मुजाकरात पे अब आ रहे हैं 108-110 दिन के बाद, अल्टीमेटली ये मुजाकरात दोबारा नाकाम होने हैं, क्योंकि जब डब्बे खुलने हैं तो एतजाज असम कहता है कि 60 डब्बों से मेरी बीवी के बैगों में से रद्दी निकली है। आप पीटीआई को छोड़ दें, एतजाज असम ने उस कमेटी में मैं मौजूद था जिसमें उसने बयान दिया, मैं खुद बैठा हुआ था, उसने कहा बुशरा एतजाज के रद्दी निकली है। तो उस इलेक्शन को एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अगर मुल्क के सबक वजीर आजम पर आर्टिकल 6 लग सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे लग सकता है, चीफ जस्टिस पे लग सकता है कि उन्होंने आवाम की राय को बदला जमहूरी हुकूमत को, तो जो लोगों के जमहूरी हुकूमत को बदलते हैं, जमहूरी फैसले पे बदलेंगे, उन पे भी आर्टिकल 6। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब की सियासी बात अपनी जगह बिल्कुल सही, इमरान खान भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन PMLN और नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी सियासी ताकत और कुव्वत है, ये उनका भी राइट है कि ये नेगोशिएशन इस तरह से हो कि PMLN के लिए एक पॉलिटिकल वे आउट होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंचती है। खान साहब एक बार फिर पंडाल में पहुंच के उन्होंने यही ऐलान किया है कि जिधर से मुजाकरात टूटे थे, मैं दावत देता हूं कि हुकूमत उधर से मुजाकरात की कड़ी जो है वो जोड़े। बहुत मुस्बत ऐलान है इमरान खान साहब का आज स्टेज पर चढ़ के, और यकीनी तौर पर द गवर्नमेंट शुड बी जंपिंग एट दिस अपॉर्चुनिटी। अगले चंद घंटों में पता लग जाएगा कि हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी सामने आती है। मीडिया आजाद जरूर है, आवारा ना रहे, यही हमारी भी दुआ है। आप हमें मॉनिटर करते रहिए। वी विल कीप गिविंग यू द अपडेट्स। कीप वॉचिंग डॉन न्यूज। ओवर टू द बुलेटिन। 5 लिटिल मंकी।